कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, UPSI का जो फाइनल रिजल्ट है वो आज जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ क्या गई थी और नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ मार्क्स आपके कितने इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कट ऑफ आपका ओवरऑल कट ऑफ जो है वो ये है। अगर आपने अभी तक लिंक से अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ कितनी गई है। तो जैसे कि हम फिर डाउनलोड करते हैं तो आप कट ऑफ देख सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कैंडिडेट जो इन्होंने बताए हैं वो ये हैं। वर्टिकल में 316 जो जनरल की, PWS की 303, OBC की 305 और SC की आपकी 289 और ST की 244। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में आपकी जनरल की 296 और PWS की 285 और SC की 257 और ST की 223 आपकी कट ऑफ गई है। इन्होंने जो रिजल्ट अनाउंस किया है वो सबका सेपरेटली किया है कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हम पद के ऊपर देख लेते हैं कट ऑफ किस किस प्रकार से गई है इनकी, तो किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई है ये भी इन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि ये सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए और ये प्लाटून कमांडर के लिए जो आपकी कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं, और PFSSO के लिए आपकी जो कट ऑफ है, इन सभी का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने कैटेगरी वाइज सबका जो ओवरऑल दिया है अनारक्षित यानी कि UR के लिए जो लिस्ट है इसकी वो सूची 2A में है और EWS के लिए सूची 2B में है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप देख सकते हैं, और OBC के लिए 2C ये लिखा हुआ आपका, और 2D SC के लिए। इनके अंदर आपके जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अभी उनका डाटा है और मार्क्स वगैरह जो हैं देख लेते हैं SC की क्या कट ऑफ गई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। तो इन्होंने अभी तक कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्स सर्विसमैन है या नहीं है और उसका नाम, जेंडर, डोमिसाइल UP का है या नहीं है और स्टेट क्या है उसका और एजुकेशन वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें इन्होंने सभी लिस्ट के अंदर दी हैं। अगर आपका जो सिलेक्शन है वो UPSI में हो चुका है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हताश ना हो। जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं UP के अंदर, जैसे टीचिंग की वैकेंसी है और भी बहुत सारी वैकेंसी UP के अंदर आने वाली है, तो उन पर फोकस करें। एक एग्ज़ाम निकला है, आप एक एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए, तो आप अपना प्रयास करते रहिए, आप पास हो ही जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने सभी का जो कट ऑफ है वो दे दिया है। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैं आपको ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दूंगा, आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। ये जो इन्होंने ओवरऑल नोटिस के बारे में देख लेते हैं, नोटिस क्या कहता है, ये डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड हो चुका है। नोटिस के अंदर हमारे जानने वाली जो चीज़ें हैं कि कितने बंदों ने फॉर्म भरा था, तो 12,30,498 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था। 54 पाली के अंदर, 54 शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 18 से 5 DBBST ये सब बताया गया है, जो जो इन्होंने प्रक्रिया की है वो सब इसमें। वैसे हमारे जानने के लिए कुछ नहीं है, कट ऑफ वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी देखनी है तो आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।